पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस मैदान में है, युवा कांग्रेस उन युवा साथियों के साथ है, युवा कांग्रेस उन साथियों के घर पे जाने का काम करेगी जिन साथियों की नौकरी मोदी सरकार ने छीनी। 19 से लेकर 22 तक 1.5 लाख युवा साथी जो सेना में भर्ती हुए उनको अभी तक उनको स्थायी भर्ती सरकार द्वारा नहीं दी गई है। अभी तक वो अपने घर पर बैठे हैं, फिजिकल उनका हो चुका है, लेकिन उनको अग्निवीर योजना के नाम पर उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। उसको लेकर युवा कांग्रेस मैदान में उतरेगी। आज हमारे बीच हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ऋषेंद्र जी आपको ब्रीफ करेंगे पूरी। हमारे साथ पूर्व आर्मी मैन आदरणीय बलवीर सिंह जी, कोऑर्डिनेटर भाई राहुल पूनिया जी, हमारे जो दिल्ली से कोऑर्डिनेटर लगे हैं भाई हुसैन सुल्तानिया जी, प्रदेश महासचिव जुबेर खान जी हमारे बीच मौजूद है। अब मैं ऋषेंद्र जी को कहूंगा कि वो पूरा आपको इस योजना का जो युवा कांग्रेस न्याय यात्रा हो, पद यात्रा हो और किस प्रकार हर जिले में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परंतु सारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे राज्य भर में प्रेस वार्ता 11 और 12 तारीख को हमारे जिला कोऑर्डिनेटर पे करेंगे और उसके बाद इसमें सबसे 5 से 10 मार्च जो मार्च के फर्स्ट वीक से हम प्रत्येक शहीद परिवार हो, सैनिक परिवार हो, जो अभी सेना में भर्ती है वो परिवार हो, वहाँ पर जाकर उसका डाटा हमारा यूथ कांग्रेस का साथी वहाँ जाएगा, पंपलेट बांटने का काम करेगा, पंपलेट उसके घर के दीवार पर चिपकाने के हम काम करेंगे। उसके बाद हमारे जो सेना भर्ती के प्रमुख जिले हैं वहाँ पर राज्य और देश का एक बड़ा नेता वहाँ पधारेंगे, उनकी वार्ता जो विद्यार्थी जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पर, जो इस योजना को रद्द करवाने के लिए उन युवा साथियों के साथ स्वाद का कार्यक्रम रखा जाएगा। आज जिस मुद्दे को लेके या जो टॉपिक है हमारा प्रेस का, वो सीधे तौर पे ये है कि जय जवान कैंपेन। हम जय जवान कैंपेन हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अग्निपथ योजना आई है जिसमें तमाम देश के जो नौजवान थे जो सेना में भर्ती होना चाहते थे उनके साथ हम कहें धोखा करने का काम सरकार ने किया अग्निवीर के नाम पे, उसको लेके ये है। और दूसरा जो 1.5 लाख युवाओं ने जो है अपनी भर्ती प्रक्रिया सारी जो एलिजिबिलिटी होती है वो पास की, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। और इसमें एक चीज चौंकाने वाली ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा सरकार को उस समय इतने युवाओं ने भर्ती के लिए फॉर्म भरे जिसमें 10 करोड़ जो है सरकार के पास पैसा जमा हुआ, लेकिन अभी तक उनको नौकरी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो धरना दे रहे हैं। तो इसको लेके यूथ कांग्रेस देश में एक महा आंदोलन चला रही है जिसका नाम हमने जय जवान आंदोलन दिया है। इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि हम युवाओं को भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो सबसे पहले हम युवाओं को के लिए जो अग्निपथ योजना है उसको तुरंत हम हटा के जो पुरानी योजना है जिसके तहत भर्ती होती थी वो लागू करेंगे। दूसरा, जो 1.5 लाख युवा जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है हम उनको तुरंत जो है ज्वाइनिंग कराएंगे। अब बात होती है कि आंदोलन हम किस तरीके से, तो ये आंदोलन 3 चरणों में चलेगा और पूरे देश में चलना है। 3 चरणों पे हमने इसका मुख्य रूपरेखा तय की है। पहला है जो हम संपर्क, इस संपर्क को लेके हम देश भर में जो 30 लाख परिवार हैं जो आर्मी बैकग्राउंड के हैं, पूर्व सैनिक परिवार हैं, उनके घरों तक हम पहुंचेंगे और उनके घर में हम जाकर उनसे संवाद करेंगे और लीफलेट और स्टिकर के माध्यम से हम एक दूसरे चरण में जो है न्याय पत्र हम ले जाएंगे लोगों तक और वो स्टिकर के माध्यम से होगा और वो डिजिटल माध्यम से उसका हम पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, लीडर बोर्ड बनेगा। उसमें जिस भी घर में हम जाएंगे उस घर में हम उस घर के अगर वहाँ माता है कोई हमारा शहीद परिवार के में अगर हम जाते हैं या पूर्व सैनिक परिवार में जाते हैं तो उनसे हम सिग्नेचर भी करवाएंगे और उनका प्रॉपर डेटा हम ऑनलाइन माध्यम से उसको इकट्ठा करेंगे। तीसरा जो हमारा इसमें दूसरा चरण है उसमें हमने धरना सत्याग्रह हम इसको नाम दे रहे हैं, हम धरना देंगे ब्लॉक शहर पूरे प्रदेश के और हम जहाँ पे भी धरना देंगे वो या तो शहीद स्मारक होगा या गांधी चौक होगा और वहाँ पे हम सत्याग्रह करेंगे। ये हमारे स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। तीसरा चरण जो है वो पदयात्रा,
पदयात्रा में हम इसको हमने नाम दिया है न्याय यात्रा, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो उसी के तहत जितने भी जो आर्मी के सपना सजोए बच्चे थे उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय दिलाने के लिए हर जिले में हम पदयात्रा करेंगे, इसका नाम हम न्याय यात्रा देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, तीन चरणों पर चलेगी और इसको लेके हम हर गांव-गांव ढाणी ढाणी हर सैन्य परिवार तक हमारा पहुंचने का यहाँ पे एक योजना है। और जो भी युवा जो तैयारी कर रहे हैं, सुबह अगर मैदान में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, हम उनसे संवाद करेंगे और उनका पूरा डाटा एक कवर अप करके कंप्लीट करके हम एक बड़ा इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। हमारे साथ इस दौरान इस प्रेस में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अभिमन्यु जी जो विधायक भी हैं वो उपस्थित हैं, हमारे बीच में सूबेदार बलवीर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो आर्मी पूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर दो कोऑर्डिनेटर हमने यहाँ पे इस स्टेट में बनाए हैं, राहुल पुनिया जी हैं जो जय जवान कैंपेन के कोऑर्डिनेटर हैं और हुसैन सुल्तानिया जी हैं जो दो लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनके ही दिशा निर्देशन पे हमने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी भी बनाई है और जल्द अध्यक्ष जी के जो है उस पर हम उसको आउट भी करेंगे। जो अग्निवीर योजना है ये एक बहुत ही घातक सिद्ध हुई है जिससे युवा पीढ़ी को और उनके परिवारों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि वो पिछले आगे 10 साल पीछे चले गए हैं, क्यों जो नौकरी करते थे या नौकरी लगने थे उनको, और उसके बाद में जो अपने 1.5 लाख कर्मचारी बच्चे जिन्होंने अपने इसके लिए एग्जाम दिए थे, कोई नेवी के लिए, कोई एयरफोर्स के लिए, कोई आर्मी के लिए, कोई CISF के लिए, कोई BSF के लिए, उनकी भर्तियों को रोक दिया गया और उसका नुकसान आज वो बच्चे, कुछ बच्चे तो आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसी आज की नौबत है। और ये जो देश का, मैं ये कहूँगा ये भविष्य है, ये कुछ डगमगा ही रहा है, इसलिए मेरी आप सभी पत्रकार महोदय से निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें कि हमारे जो युवा साथी हैं जिनको नौकरी चाहिए, किसान वर्ग है जिनको खेती में चाहिए, उनको आगे बढ़ावा मिले। आप लोग एक ऐसी रीढ़ की हड्डी हैं जो इस देश को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। धन्यवाद।